प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल कि आपको फिनोल की कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे जो 12th क्लास में पढ़नी है, रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो आपका टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनोल। रिएक्शन ऑफ फिनोल, तो आपकी फिनोल कौन कौन सी रिएक्शन देखा। तो हमने पीछे पढ़ा था कि फिनोल आपका रेजोनेंस शो करता है। कैसा शो करता है? रेजोनेंस। क्यों शो करता है? क्योंकि फिनोल के पास क्या होता है? बेंजीन। OH, और इसके पास टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं? टू। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं? टू। तो फिनोल जब अपनी रेजोनेंस शो करेगा तो ये वाले जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थी आपकी जो फिनोल की, तो क्या बनी थी आपकी वो? सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड। ये आपकी फर्स्ट थी रेजोनेंस। ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड। फिर क्या हुआ आपका नेक्स्ट? नेक्स्ट जब आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस हो गए और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गए, थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या थी आपकी? यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे OH डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी वहां से हमें दो चीजें पता लगी कि एक तो फिनोल के पास जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देगा तो फिनोल के अंदर जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ कहाँ पे इंक्रीज करते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं आपकी? ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। क्या कर सकता है? आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो फिनोल आपकी जो रिएक्शन देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कैसे रिएक्शन देगा फिनोल आपकी जो गिव इलेक्शन देगा तो क्या नाम होगा उनका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको क्या, आपकी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्यों होगी, हमें पढ़ना है क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो फिनोल आपका सिंपल क्या होता है? बेंजीन बेंजीन के साथ OH ग्रुप होता है और आपके जो OH ग्रुप होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर। क्या होते हैं? लोन पेयर। तो लोन पेयर आपके क्या करेंगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेंगे ड्यू टू, क्योंकि आपके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है बेंजीन के अंदर चले जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे, जिससे आपके क्या मिलेंगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो उसके आपके दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेंगे या ऑर्थो और ये आपकी पैरा। तो अब क्या समझ में आया कि बेंजीन रिंग के पास आपके जो जब रेजोनेंस के कारण बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो बेंजीन रिंग की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो बेंजीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सा मतलब ये। तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो आपकी फिनोल कैसी रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन पढ़ेंगे हम फिनोल की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो फिनोल की फर्स्ट आपकी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। फर्स्ट रिएक्शन का नाम है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका पहला टॉपिक आज का। होगा क्या इसके अंदर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम? नाइट्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम नाइट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेशन।
क्या होगा आपका नाइट्रेशन के अंदर, आपकी बेंजीन आपकी क्या होगी, फिनोल, क्या होगी आपकी फिनोल, ये आपका फिनोल है, रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, किससे रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HNO3 के साथ, कितने डिग्री सेल्सियस पे 35 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री पे 35 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस है, या ऑलमोस्ट 298 केल्विन। तो इसको हम क्या करेंगे डाइल्यूट 35 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे, क्या बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर। होगा क्या कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि कैसी रिएक्शन देगी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, तो आपको HNO3 NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, क्या बनाता है NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनाएगा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो होगा क्या आपका, आपका एक बार कहां पे अटैक होगा ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार कहां पे पैरा पोजीशन, तो क्या बन जाएगा आपका OH NO2 पॉजिटिव ऑर्थो, ऑर्थो प्रोडक्ट, और सेकंड क्या बन जाएगा आपका OH NO2 पैरा प्रोडक्ट, आपका ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बन जाए। आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा, आपका जो पैरा प्रोडक्ट होगा क्या आपका मेजर, क्या आपका ये मेजर प्रोडक्ट, क्या आपका ये मेजर, ज्यादा आपको ये मिलेगा। सिंपल क्या था नाइट्रेशन, क्या होगा फिनोल, फिनोल किसकी प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, कितने टेम्परेचर, कितना 298 टेम्परेचर केल्विन या 35 डिग्री सेल्सियस, क्या 35 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको अपन नाइट्रोनियम आयन, क्या होगा एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे या आपकी ऑर्थो पोजीशन, और सेकंड प्रोडक्ट बन जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, इसका नाम क्या है ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, और सेकंड बन जाएगा आपका पैरा नाइट्रो फिनोल, पैरा नाइट्रो फिनोल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल आपके मतलब आपके रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट बने, क्या बने आपके दो, मेजर आपका पैरानाइट्रोफिनोल और माइनर आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब खासियत क्या होती है आपकी, अगर आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करना है, क्या करना आपको सेपरेट, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, किसका यूज करते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्यों करते हैं उसका, क्योंकि आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, तो आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये शो करता है आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका ये पैरानाइट्रोफिनोल करता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों के अंदर यहां पे आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और यहां पे मिलेगी आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल क्या है नाइट्रेशन फिनोल डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ 298 डिग्री केल्विन या 35 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा NO2 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा एक बार ऑर्थो पोजिशन पे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक बार पैरा पोजिशन में तो पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर आपको मिलेगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरानाइट्रोफिनोल के अंदर आपको मिलेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
किस प्रोसेस के द्वारा इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो आपका क्या होता है कि आपका जो जो आपका पैरा पोजिशन वाला है वो आपको क्या शो करता है, एसोसिएशन। क्या करता है इसे, एसोसिएशन शो करता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी वो एसोसिएशन शो करती है। क्या शो करती है आपकी, एसोसिएशन। और ये आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी। अब देखो फर्क क्या होता है कि आपकी जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विद इन द मोलिक्यूल होती है, मोलिक्यूल के अंदर ही, एक मोलिक्यूल के अंदर ही क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन होगी। तो कैसे समझाता हूँ आपको, फिनोल ये आपका ओ एच और ये आपका एन ओ एन डबल बॉन्ड ओ और ओ। तो आपका जब हाइड्रोजन और इसके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड रही है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन विद इन द मोलिक्यूल। क्या होगी आपकी, विद इन द मोलिक्यूल, ये आपकी विद इन द मोलिक्यूल है। कैसी आपकी, एक ही मोलिक्यूल के अंदर है। कैसी है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर। और विद इन द मोलिक्यूल आपकी जो इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये आपका कैसा होता है, वोलेटाइल। कैसा हो जाता है आपका, ये वोलेटाइल। तो आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो वोलेटाइल होता है। क्या होता है, वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल। कैसा होता है आपका, स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल क्यों होता है, क्योंकि आपका इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और आपका जो पैरा वाला है, पैरा नाइट्रोफिनोल है, वो आपका स्टीम नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है, स्टीम लेस वोलेटाइल। क्या बोल सकते हैं, लेस स्टीम वोलेटाइल। तो इन दोनों के अंदर स्टीम वोलेटाइल एक आपका इजीली इवेपोरेट हो जाता है और एक आपका कम मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है इनके बीच में। क्या आ जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट। क्या कर सकते हैं, सेपरेट। सेकेंड है अगर आपकी नाइट्रेशन के अंदर ही आपका, आगे इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार, सेकेंड है अगर आपका फिनोल है। क्या आपका फिनोल, और अब की बार आप कंसंट्रेटेड HNO3 क्या यूज करते हो, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 को जब आप यूज करते हो तो अब की बार आपका क्या होगा, बेंजीन NO2, 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 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, या इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड। तो आपका पिक्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, पिक्रिक एसिड। होगा क्या आपका, सिंपल सा, फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू फॉर्म। आपके जैसे हमें पता है कि दो ऑर्थो पोजिशन है, दो तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो टू पे भी अटैक कर जाएगा, फोर के ऊपर भी अटैक कर जाएगा और सिक्स के ऊपर। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जिसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। आजकल हम पिक्रिक एसिड बनाने का एक तो मेथड है आपका ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, लेकिन कई बार हम एक दूसरा मेथड भी यूज करते हैं पिक्रिक एसिड को बनाने का। वो मेथड क्या है आपका, उसे भी हम स्टडी करेंगे। देखो है क्या, फिनोल नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड। कैसा है, कंसंट्रेटेड। क्या बन जाएगा आपका, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। नाम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, पिक्रिक एसिड।
सेकंड क्या, आपका अगर पिक्रिक एसिड को आपको बनाना है, आजकल जो कमर्शियली हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम फिनोल लेंगे। क्या लेंगे हम? फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो क्या लेंगे सबसे पहले हम? फिनोल। क्या लेंगे हम? फिनोल। तो ये आपका क्या हो गया? फिनोल। इसको रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आपका फिनोल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा आपका? ये फिनोल OH SO3H, SO3H क्या बन जाएगा आपका? फिनोल का सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका? फिनोल का सल्फोनिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? 2,4-डाई सल्फोनिक एसिड, 2,4-डाई सल्फोनिक एसिड आपका ये बन जाएगा फिनोल। फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? HNO3। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? फिनोल OH NO2 NO2 और NO2 क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, ट्राइनाइट्रो फिनोल। इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड। तो सिंपल सा क्या है आपका कि आपको अगर पिक्रिक एसिड बनाना है तो क्या करोगे आप? फिनोल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। फिनोल आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये आपका फिनोल है, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका? पहले बन जाएगा आपका 2,4-डाई सब्स्टिट्यूटेड, 2,4-डाई सल्फोनिक एसिड, 2,4-डाई सल्फोनिक एसिड। और जब आप 2,4-डाई सल्फोनिक एसिड को हीट करोगे, क्या करोगे आप? हीट करोगे कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो आपका बन जाएगा 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम? पिक्रिक एसिड। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आगे लाइक करें, कमेंट करें।